हेलो जी क्या सारे जैसे लेक्चर तो हम आ चुके हमारे डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के लेक्चर नंबर थ्री पर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डेटा मॉडल के बारे में बहुत ही पावरफुल डेटा मॉडल के बारे में जिसको मैं बोलता हूँ ई आर मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल बट इसको डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो पढ़ा था हमने व्यू ऑफ डेटा के बारे में जिसको मैं थ्री स्कीम आर्किटेक्चर भी बोलता हूँ ठीक है जिसके अंदर हमने थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा ठीक है फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन लॉजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन फिर हमने पढ़ा आपका व्यू लेवल एब्स्ट्रैक्शन फिर हमने पढ़ा डेटा बेस इंस्टेंस क्या होता है ठीक है डी बी स्कीमा क्या होता है डेटा मॉडल्स क्या होते हैं क्या वर्क होता है डेटा मॉडल्स का क्यों मैं यूज कर रहा हूँ डेटा मॉडल्स को डी बी ए क्या है ठीक है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के क्या -क्या, क्या क्या काम होते हैं

क्राई में आप स्टैक डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट सीखने वाले हैं बट बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स इन अ रियल डेवलपर इन्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम्स आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना चुके होंगे जिससे आपका रिज्यूम्य और इफेक्टिव हो जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग गेटअप प्रोफाइल भी बन जाएगी आप फुल स्टेक डेवलपमेंट में या बैक एंड डेवलपमेंट क्या 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 टेक यूज करने वाले हैं वो सब भी आपको यहाँ पर विजिबल है और साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज करियर असिस्टेंस भी मिलने वाली है ताकि आपकी ड्रीम जॉब की डबल श्योरिटी हो आपको करना क्या है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक लिंक अटैच कर देता हूँ उसको यूज़ करके आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट प्रोग्राम्स पर ले सकते हैं और साथ ही साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज को भी अनलॉक कर सकते हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक को यूज करेंगे एक प्लेसमेंट ग्रैप करेंगे और मुझे पार्टी देंगे धन्यवाद अब ईआर मॉडल क्या है ठीक है ईआर मॉडल एक डेटा मॉडल है और डेटा मॉडल क्या करते हैं डेटा मॉडल आपके कंसेप्चुअल लेयर पे काम करते हैं लॉजिकल लेयर पे ठीक है जिस लेयर पे आपका डी काम करता है ना वो बेसिकली जब आपके डेटा को या डेटा को डिफाइन कर रहा होता है कि भाई डेटा के अंदर जो डेटा है उसको डिस्क्राइब करना है मुझे कि वो डेटा क्या है ठीक है वट वाले पार्ट को कि डेटा क्या है ठीक है डेटा के बीच में रिलेशन क्या है उस डेटाबेस में जितना भी डेटा होगा उसमें आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा क्या रिलेशन है वो ठीक है आपके कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट क्या है ठीक है तो इन सब को दिखाने के लिए इन सबको बेसिकली विजुअलाइज कराने के लिए आपके डेटा मॉडल यूज होते हैं जिसमें कि एक एक हाई लेवल डेटा मॉडल है ठीक बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स आपके रियल वर्ल्ड में क्या होता है रियल वर्ल्ड में बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टूडेंट प्रोफेसर व्हीकल ठीक है आपका कस्टमर ठीक है तो ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं ठीक है थीके? ये ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं ना उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं उसी के सिमिलर हैं उन ऑब्जेक्ट्स को मैं बोलता हूँ एंटिटीज ठीक है और एंटिटीज क्या होती है एंटिटीज के पास खुद के एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जैसे कि स्टूडेंट है स्टूडेंट के बाद खुद के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं स्टूडेंट के बाद एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आई नेम स्टैंडर्ड कोर्स किस बैच में है वो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है एड्रेस क्या है सिमिलरली कस्टमर के बाद भी आपके खुद के एट्रीब्यूट्स हैं Case जैसे कि कस्टमर आईडी कस्टमर नेम उसका एड्रेस क्या है ठीक है उसका डेट ऑफ बर्थ एज एटसेट्रा ये सब आपके उसके एट्रीब्यूट्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ हमारे पास दो चीजें हैं एक एंटिटी है ठीक है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्यों होते हैं क्या जरूरत पड़ी है एट्रीब्यूट्स की बेसिकली किसी भी एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए उसके बारे में बताने के लिए मुझे एट्रीब्यूट्स की जरूरत पड़ती है ठीक है एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए ये मेरी एंटिटी है एंटिटी को मैं ईआर ER डायग्राम में इस तरीके से दिखाता हूँ और उनके एट्रीब्यूट्स मैं इस तरीके से दिखाता हूँ ए आर डायग्राम में इस तरीके से और और सारे एट्रीब्यूट्स बना लेता हूँ तो मेरे पास एंटिटी है और कुछ एट्रीब्यूट्स हैं अभी एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं एट्रीब्यूट डेटा को डिफाइन करते हैं जैसे कि हमने बात की कि जो डेटा मॉडल है वो डेटा के वट पार्ट को बताता है कि डेटा क्या है डेटा एक एंटिटी के नाम से वो डेटा होगा जैसे यहाँ पर हम बोलते स्टूडेंट तो, तो मुझे पता चल गया कि ये जो डेटा है ये स्टूडेंट्स का डेटा है तो मुझे वट डिफाइन हो गया ईयर मॉडल ने मुझे वट डिफाइन कर दिया फिर मुझे डिस्क्राइब करना है कि एंटिटी या फिर डेटा उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसको डिस्क्राइब करना है तो मुझे डेटा को ठीक है मैं सिंपल बोल के रख दूँ कि ये स्टूडेंट है ठीक है मान लो राम नाम का स्टूडेंट है बस तो मैं बोल दू कि इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा स्टूडेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा तो डेटा को डिस्क्राइब करना ठीक है वो कौन करते हैं डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करते हैं कि भाई एंटिटी है आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं वो डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसका सिंपल सा एग्जाम्पल जैसे कि हमने किया स्टूडेंट्स तो मैं स्टूडेंट अगर एंटिटी ड्रॉ करूँ तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे ठीक है सीधा सीधा हम ई आर मॉडल के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं ताकि आ, आपको कंफ्यूजन ना हो क्योंकि फाइनली आपको इंटरव्यू में तो ईआर मॉडल ही बनाने के लिए बोला जा सकता है ठीक है स्टूडेंट हो गया आपके एट्रीब्यूट क्या क्या है इसके स्टूडेंट आई डी ठीक है मैं बोल देता हूँ नेम फोन नंबर एड्रेस ठीक है किस बैच का वो स्टूडेंट है फिर तो उसके बाद उसके वा कौन से कोर्सेज हैं ठीक है इस तरीके से एंड सो ऑन बहुत सारे आपके आ, और सोच सकते हो आप स्टूडेंट से रिलेटेड क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे तो जितने एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन करते हो ना ये भी लिमिटेड होते हैं ठीक है लिमिटेड कैसे जिस भी टाइप काफ़ डेटाबेस बना रहे हो मतलब आप एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बना रहे हो तो उसके अंदर स्टूडेंट के जो भी आपके नीडेड एट्रीब्यूट्स होंगे आप वही डिफाइन करोगे ठीक है कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स आप डिफाइन नहीं करोगे जो बेसिकली बेफालतू में स्पेस घेरें डेटाबेस को मुझे बल्कि नहीं बनाना डेटाबेस को मुझे प्रिसाइज बनाना है तो मैं उन्हीं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करूंगा या यूज़ करूंगा जो कि एग्जैक्टली स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है स्टूडेंट डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है ठीक है और एक एग्जाम्पल हो सकता है मेरा एंटिटी का कस्टमर ठीक है किसी ऑनलाइन साइट पे कस्टमर है तो वो क्या होगा मेरा कस्टमर आईडी ठीक है उस कॉन्टैक्ट नंबर उसका उसके एड्रेस की डिटेल्स होंगी भी डिलीवरी करनी है हमें राइट उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी होगी कस्टमर से रिलेटेड उसका बेसिकली ईमेल आईडी

एग्जाम्पल आपका स्टूडेंट इन ए कॉलेज इज एन एंटिटी ठीक है कॉलेज खुद भी एक एंटिटी हो सकता है ठीक है अब एंटिटी की ना एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब आपके पास स्टूडेंट्स है स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स है और आपने उनका डेटा भी स्टोर किया हुआ है तो आप चाहोगे कि हर स्टूडेंट यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए ऐसा क्यों बिकॉज हो सकता है कि स्टूडेंट के नेम सेम हो यानी दो अलग अलग स्टूडेंट हो बट उनके नेम सेम हो ठीक है एक राहुल नाम का स्टूडेंट है और दूसरा भी राहुल नाम का स्टूडेंट है या तीसरा भी राहुल नाम का स्टूडेंट है स्कूल के अंदर बहुत सारे राहुल हो सकते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे अजय हो सकते हैं एंड सो ऑन बहुत सारे लोग हो सकते हैं तो नेम जो है वो डिफाइन नहीं करेगा या फिर मेरे को आइडेंटिफाई करने में मदद नहीं करेगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को ठीक है यूनिकली तो मैं क्या करूंगा एक जो एट्रीब्यूट्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट के उसमें से एक ऐसा एट्रीब्यूट चुनूंगा ऐसा एट्रीब्यूट मैं डिफाइन करूंगा या चुनूंगा जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा तो अगर मैं रियल वर्ल्ड टर्म्स में बात करूँ जो स्टूडेंट में कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है वो एट्रीब्यूट है आपका स्टूडेंट आई हर स्टूडेंट की एक यूनिक आई होती है ठीक है कोई दो स्टूडेंट की सेम आई नहीं होगी तो इसलिए एंटिटी की एक और प्रॉपर्टी है कि एंटिटी जो होगी उसकी एक यूनिक आई होगी सिमिलरली यहाँ पर जो एंटिटी है आपकी कस्टमर इसकी यूनिक आईडी है कस्टमर आई ठीक है ये हमें पता चल गया कि यूनिक आईडी हमें क्यों चाहिए ठीक है तो ये मेरी कस्टमर की यूनिक आईडी है बहुत ही बढ़िया अब आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में वैसे हम जो भी यूनिक आईडी होती है ना ये यूनिक एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी का उसको मैं प्राइमरी की भी बोलता हूं ठीक है तो सिंपल सी चीज़ है एंटिटी कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाई ए प्राइमरी एट्रीब्यूट जिसको मैं प्राइमरी की भी बोलता हूं ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद करे उसको प्राइमरी की इसको मैं बोलता हूँ अब अब बात करते हैं एंटिटी सेट के बारे में एंटिटी सेट कोई बड़ी चीज नहीं है सिंपली जो आपका स्टूडेंट था वो एक एंटिटी सेट ही था रीजन बींग आपने डेटाबेस में कोई एक स्टूडेंट स्टोर नहीं किया हुआ आपके पास एक स्कीमा बना हुआ है स्टूडेंट का ठीक है इस तरीके से स्कीमा है इस तरीके डिज़ाइन है स्टूडेंट का कि भाई ये स्टूडेंट है ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं तो इन एट्रीब्यूट्स को कॉन्फॉर्म करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके पास एक स्टूडेंट नहीं है आपके पास तो इसलिए मैं स्टूडेंट को एक एंटिटी सेट बोल देता हूँ कि भाई ये एक स्टूडेंट एंटिटी सेट है ये पर्टिकुलर आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्टूडेंट को डिफ़ाइन करते हैं और जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनमें से कोई एक स्टूडेंट जो होगा ना वो एक एंटिटी होगा ठीक है तो इसलिए जो एंटिटी सेट है वो आपका इट इज ए सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ सेम टाइप एंड दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट ठीक है तो कोई एक स्टूडेंट आपका स्टूडेंट के डेटाबेस के अंदर कोई एक स्टूडेंट आपका एक एंटिटी होगा ठीक है और जो बहुत सारे स्टूडेंट है पूरा स्कीमा को मैं बोल रहा हूँ उसको मैं एंटिटी सेट बोल रहा हूँ ठीक है तो आपका कलेक्शन ऑफ़ स्टूडेंट्स जो कि सेम प्रॉपर्टीज़ है सेम एट्रीब्यूट्स है उसको मैं एंटिटी सेट बोलता हूँ अब क्या होता है ना ई आर मॉडल के टर्म्स में या ई ER डायग्राम जो हम बना रहे होते हैं तो एंटिटी और एंटिटी सेट को ना हम बेसिकली सेम तरीके से उसे यूज़ करते हैं दोनों का सेंस सेम करते हैं ये स्लैंग स्लैंग लैंग्वेज में है एक्चुअली दोनों अलग अलग होते हैं बट हम जब यूज़ कर रहे होते हैं ई ER मॉडल बना रहे होते हैं तो एंटिटी एनिटी सेट को दोनों को ही बेसिकली मैं बोल सकता हूँ सेम ही तरीके से हम उसको रेफर करते हैं ठीक है तो जब भी एंटिटी सेट बोला जाए एंटिटी बोला जाए एक ही समझ के चलना बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल देख लेते हैं एंटिटी सेट जैसे कि स्टूडेंट है एक है, bank, एक एंटिटी एंटिटी सेट सेट है है कस्टमर ऑफ बैंक अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं एट्रीब्यूट्स क्या है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके किसी भी एंटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसे एट्रीब्यूट्स बोलते हैं ठीक है रिपीटेडली हमने ये चीज यहां पर बोले कि स्टूडेंट को डिफाइन करने के लिए कोर्स स्टूडेंट आई डी नेम फोन नंबर एड्रेस बैच चाहिए तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए सिमिलरली कस्टमर आई डी कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डी ओ बी ई मेल ये भी इसके एट्रीब्यूट्स हो गए तो एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं सिमिलर डेटा को डिफाइन करते हैं एंटिटी सेट को डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट्स का यूज होता है दैट सेट नथिंग एल्स एट्रीब्यूट्स यहीं पर खत्म होता है बहुत ही बढ़िया अभी तक हमने पढ़ा एंटिटी क्या है या एंटिटी सेट बोल देता हूँ और हमने पढ़ा एट्रीब्यूट्स क्या हैं

लोन का अकाउंट ठीक है ऐसी अकाउंट डिटेल्स यानी सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है बहुत सारी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर एक एंटिटी है कोर्सेज एक एंटिटी है स्टूडेंट्स एक एंटिटी है तो इस तरीके से बहुत सारे एंटिटीज़ हैं अब एंटिटीज़ तो अलग अलग डिसजॉइंट्स हैं सारी एक एंटिटी अलग है जो सारी यूनिकली आइडेंटिफाइबल है इट्सैल्फ में ठीक है और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं आपस में डिपेंडेंट भी नहीं है कुछ खास बट सारी एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है ठीक है जैसे कि मैंने बात की डेटा के अंदर डेटा के बीच में रिलेशनशिप होता है तो उस रिलेशनशिप को मैं क्या बोलता हूँ और डेटा मॉडल में या ई ER डायग्राम में उसको कैसे डिफाइन करता हूँ वो देखते हैं अब मान लो आपका एक बैंकिंग का सिस्टम है उसके अंदर मेरे पास क्या हो गया कस्टमर एक एंटिटी है ठीक है लोन एक एंटिटी बोल देता हूँ मैं ठीक है आपका अकाउंट एक एंटिटी है ये तीन एंटिटी ले लेता हूँ यानी कि कस्टमर का डेटाबेस होगा मेरे डेटाबेस में कस्टमर का डेटा स्टोर होगा ऐसी लोन का डेटा स्टोर होगा लोन हर एक लोन की लोन आई होगी किस चीज़ का लोन है कार लोन है या क्या कौन सा लोन है ऐसी बैंक ने स्टोर कर रखे होंगे अकाउंट बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स हैं उसके बारे में डिटेल्स कि अकाउंट किससे ओन्ड बाई है अकाउंट का टाइप क्या है ठीक है अकाउंट नंबर क्या है एंड सो ऑन ठीक है अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होंगे तो ईआर डायग्राम में रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि जैसे मैं बोल सकता हूँ कि कस्टमर बोरो लोन तो कस्टमर और लोन के बीच में बोरो का रिलेशन है ठीक है सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कस्टमर डिपॉजिट अकाउंट यानी कस्टमर्स जो हैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं ठीक है या विड्रॉ करते हैं विड्रॉ भी एक रिलेशन है डिपॉजिट भी एक रिलेशन है तो एक बैंकिंग सिस्टम में एक रिलेशन है ऐसी हम डिस्कस करते हैं जैसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम जो है उसमें बोल सकता हूँ उसमें क्या रिलेशन हो सकता है कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर ठीक है अमेजोन पे फूड डिलीवरी ऐप पे आप ऑर्डर करते हो तो कस्टमर एक अलग एडेंटिटी है ऑर्डर एक अलग एंटिटी है इनके बीच में रिलेशन क्या है प्लेसेस का बहुत ही बढ़िया अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो बोल सकता हूँ यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं वो टेक्स प्रोफेसर टेक्स कोर्स यानी कि प्रोफेसर जो है कोर्सेस लेते हैं यानी कि उन्हें पढ़ाते हैं जाके ठीक है या मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट एनरोल कोर्स स्टूडेंट जो है कोर्सेज को एनरोल करते हैं ठीक है सिमिलरली अगर मैं एक uh, मैक्रो लेवल पे बात करूँ तो मैं बोलता हूँ किसी से कोई uh, कंट्री का सिटीजन सिटीजन के डेटाबेस में सिटीजन हैज व्हीकल तो ये रिलेशन है तो बेसिकली यहाँ पे हैज रिलेशन है यहाँ पे एनरोल रिलेशन है यहाँ पे टेक्स रिलेशन है प्लेस रिलेशन है सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं और ये एक रिलेशनशिप डिफाइन कर रही हैं ठीक है बहुत ही एक अच्छा एक्जाम्पल हमने जो बैंकिंग सिस्टम का देखा कि कस्टमर लोन और अकाउंट तीन अलग एंटिटी के बीच में कैसे रिलेशन डिफाइन हो रखा है ठीक है अब ईआर ER डायग्राम के टर्म में इनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं या कैसे बनाते हैं वो देखते हैं एक बार ये मेरा कस्टमर एंटिटी थी ये मेरी लोन एंटिटी थी इनके बीच में रिलेशन डिफाइन होता है हमेशा डायमंड से ठीक है इसको रिलेशन का नाम दे देता हूँ मैं बोरो और ऐसे बनाते हैं हम ड्रॉ करते हैं तो ये ईआर डायग्राम के टर्म्स में किसी दो एंटिटी के बीच के रिलेशनशिप को एसोसिएशन को मैं इस तरीके से दिखाता हूँ कि कस्टमर बोरो लोन ये मेरा ईआर डायग्राम के टर्म्स में मैंने डिफाइन कर दिया ऐसे ही बाकी भी डिफाइन होंगे कि प्रोफेसर टेक्स कोर्स सिमिलरली कस्टमर प्लेसेस ऑर्डर इस तरीके के रिलेशनशिप को हम डिफाइन करते हैं तो हमने बात करी एंटिटी क्या है एंटिटी सेट क्या है एंटिटीज के एट्रीब्यूट होते हैं ठीक है और दो एंटिटी के बीच में रिलेशन होता है इसी सब को उठा के मैं बोल देता हूं कि दिस कंपराइज या दिस समराइजेस ईआर मॉडल ठीक है इसको मैं ईआर ER मॉडल बोलता हूं दोबारा से एक बार डेफिनेशन पे आते हैं कि इट इज ए हाई लेवल मॉडल ठीक है बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ रियल वर्ल्ड दैट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स हमने बात की एंटिटीज कॉल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग दोज ऑब्जेक्ट्स ठीक है हमने बात की दो एंटिटी उनके बीच में रिलेशनशिप इसी को मैं ईआर ER मॉडल बोलता हूँ ठीक है अब ई ER मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज यूज होती है जिसको मैं ई ER डायग्राम भी बोलता हूँ ई डायग्राम हम साथ साथ अभी देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं एंटिटी को आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखाते हैं रिलेशनशिप को मैं डायमंड में दिखाता हूँ ठीक है एसोसिएशन को हम लाइन से दिखाते हैं ठीक है वो ई ER डायग्राम को क्या बोलते हैं ई डायग्राम एक ब्लू की तरह एक्ट करता है डीबी में जब भी आपके पास कोई डेटाबेस डिज़ाइन करने का क्वेश्चन या डिज़ाइन करने का टास्क आता है आप सबसे पहले आप एंटिटीज़ उसके अंदर फाइंड करते हो ठीक है एंटिटीज़ फाइंड करते हो फिर एट्रीब्यूट्स फाइंड करते हो उन एंटिटीज़ के फिर उसके बाद उनके आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो ठीक है और फिर पूरा एक ए डायग्राम ड्रॉ करते हो जो कि एक्ट करता है ब्लू प्रिंट की तरह है, जो मुझे एक्चुअल डेटा या फिर टेबल्स बनाने हैं उसमें एक ब्लू प्रिंट की तरह है कि ए डायग्राम मुझे मिल गया ए डायग्राम को मैं बेसिकली कन्वर्ट कर सकता हूँ टेबल्स में या रिलेशनल मॉडल में ठीक है इसके बारे में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे बट हम ए डायग्राम पढ़ क्यों रहे हैं वो उसको डिफाइन कर रहा था मैं वो आपको समझ आ गया होगा कि एयर डायग्राम एक ब्लू प्रिंट की तरह एक्ट करता है आगे मुझे डेटा को जो एक्चुअल डिजाइन करना है टेबल्स के फॉर्म में वो उस चीज में मुझे डायरेक्टली ये हेल्प करेगा ठीक है तो हमें समझ आ गया ए डायग्राम एक ब्लू की तरह एक्ट करता है बहुत ही बढ़िया अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना जो कि हमने बात की कि डेटा को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं एंटिटी को डिस्क्राइब करने के काम आते हैं वो भी ना बहुत सारे टाइप के होते हैं या उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम एट्रीब्यूट्स को डबल क्लिक करते हैं बढ़िया से एट्रीब्यूट क्या है ये हमें समझ आ गया और हर एट्रीब्यूट की ना एक परमिटेड वैल्यू होती है परमिटेड वैल्यू एज इन जिसमें कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स लगे होते हैं या फिर डोमेन कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कस्टमर जो नेम है ना वो नल नहीं हो सकता मैं बोल देता हूँ कि मेरे डेटाबेस के अंदर डी के अंदर कस्टमर का जो नेम है वो नल नहीं हो सकता कस्टमर का नेम होना ही होना चाहिए नहीं होगा इसका मतलब मेरा डी बी है डी के अंदर वो चीज़ स्टोर ही नहीं हो सकती ठीक है सिमिलरली मैं बोल देता हूँ कि आपका जो लोन है लोन का एक डोमेन डिफाइन कर देता हूँ कि भाई वो जो बैंक है ना पर्टिकुलर बैंक वो कार लोन देता है होम लोन देता है ठीक है और एजुकेशन लोन देता है ये तीन टाइप के लोन देता है वो पर्सनल लोन नहीं देता है जस्ट सपोज तो मैं बोलूंगा कि जो आपका लोन है लोन जो लोन की आईडीज होंगी या लोन का अकाउंट होगा वो लोन के एट्रीब्यूट में जो कि मैं जहाँ पे स्टोर करूंगा कि कार का लोन है या या ये एजुकेशन लोन है ठीक है या ये होम लोन है उस एंट्री में, में मेरा पर्सनल लोन एंट्री नहीं हो सकती तो यानी कि मैंने लोन की डोमेन डिफाइन कर दी कि इन तीन में से कोई वैल्यू एक हो सकती है आपकी पर्सनल लोन या फिर बिजनेस लोन इस टाइप की एंट्री इसमें नहीं हो सकती ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एट्रीब्यूट में ये मेरा एट्रीब्यूट है कुछ डोमेन 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 होती है और ये एक है और वैल्यूज़ एक कौन कौन सी वैल्यूज वो टेक कर सकते हैं कुछ परमिटेड वैल्यू हैं और नॉन परमिटेड वैल्यू हैं कौन कौन सी वैल्यूज परमिटेड है कौन कौन सी नॉन परमिटेड है इन शॉर्ट कस्टमर का जो नेम है वो बोल देता हूँ कि न्यूमेरिक नहीं हो सकता किसी का नेम वन टू थ्री फोर नहीं हो सकता ठीक है तो ये कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हैं मैंने कंस्ट्रेंट्स लगा दिए हैं इसमें कंस्टेंट्स क्यों हेल्पफुल होते हैं मेरे डेटा को कंसिस्टेंट रखते हैं ठीक है अब कोई ऐसा डेटाबेस बन गया जिसमें मैंने बोला है कि कस्टमर्स का जो नेम है वो मेरा न्यूमेरिक नहीं हो सकता बट वो डीबी इतना बेकार डिज़ाइन हो रखा है या फिर उसके अंदर कंस्टेंट नहीं लगे हुए हैं कि उसके अंदर किस गलती से एंट्री चली गई न्यूमेरिक नेम की तो जब आप डेटा को कभी रिट्रीव करोगे रिट्रीव करके देखने की कोशिश करोगे कौन सा कस्टमर था उसका नाम दिखेगा आपको वन टू थ्री फोर अगर ऐसा आपको नाम दिखता है तो नहीं है ना ये रियल वर्ल्ड चीज़ नहीं यार हम प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हैं हम जो डिज़ाइन बनाते हैं बिजनेस में बिजनेसिस बनाते हैं उसका डेटा भी स्टोर करते हैं हम क्यों करते हैं सब कुछ कि ह्यूमेंस को ईजी हो है हमें ईजी हो ऑपरेशन ईजी हो तो आप देख रहे हो कि कोई ऐसी एंट्री निकल के आई है जो इनकंसिस्टेंट है तो आप उसको ढंग से डिफाइन नहीं कर पाओगे उस पर्टिकुलर कस्टमर को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे ठीक है वो आपको एक इलीगल एंट्री लग रही है तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कुछ कंस्टेंट्स होती हैं वो आपको कॉन्फर्म करनी पड़ेंगी ठीक है बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट एट्रीब्यूट्स के, के बारे में डिस्कस कर ही लिया था कि स्टूडेंट्स के कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स अब एट्रीब्यूट्स के कितने टाइप्स है? हैं टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट की बात करें हम इसको हम एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल से समझेंगे से पहले सीधा नोट्स में समझते हैं कि टाइप में सबसे है मेरा सिंपल टाइप सिंपल मतलब ऐसा जो कि फर्दर डिवाइड ना कर पाऊं मैं ठीक है बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता जिसका एग्जाम्पल है कस्टमर का अकाउंट नंबर इन बैंक अब जो कस्टमर का अकाउंट नंबर है लो टेन डिजिट का है अब फर्स्ट फाइव डिजिट्स को मैं निकाल के उससे कुछ और मीनिंग विड्रॉ नहीं कर सकता या लास्ट के फाइव डिजिट निकाल के मैं कुछ और विड्रॉ नहीं कर सकता उसको एज ए होल यूज करूंगा टेन डिजिट्स को तब मुझे कस्टमर अकाउंट के बारे में पता चलेगा सिमिलरली स्टूडेंट को रोल नंबर है उसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता तो दीज आर सिंपल एट्रीब्यूट्स नथिंग सिंपल कुछ खास है नहीं इसके डिस्कस करने के लिए अब सेकेंड है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोजिट कंपोजिट का मतलब है ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनको मैं सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ ठीक है जिसमें क्या आता है कि नेम ऑफ ए पर्सन किसी पर्सन के नेम कैसे डिवाइड हो सकता है फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम ठीक है तो ये नेम हो गया आपका उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ और अब आप देखोगे कि नेम को डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है अब आप पूछोगे यार एक नेम को मैं डिवाइड क्यों करूँ मैं सिंपली पूरी तरीके से उसको स्टोर कर देता हूँ नेम डिवाइड करने में इसलिए फायदा होता है कि कई बार आपको जब आपका सिस्टम है जो आपने पूरा सॉफ्टवेयर बना रखा है सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन किया हुआ है उसके अंदर कभी कभी आप चाहते हो कि सिर्फ लास्ट नेम को एक्सेस करूँ मैं ठीक है मैं ऐसे बेसिकली uh, डेटा uh, पॉइंट्स निकालना चाहता हूँ जिनका लास्ट नेम मान लो मुखर्जी हो तो जिनका लास्ट नेम मुखर्जी होगा वो सारे मैं निकालना चाहता हूँ तो इस तरीके से इनको अलग अलग स्टोर करना इसलिए बेनिफिशियल रहता है इसका बहुत ही क्लासिक एग्ज़ाम्पल है कि एड्रेस एड्रेस जो है वो डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रीट में सिटी में स्टेट में पिन कोड में ठीक है डिवाइड करके फ़ायदा क्या होगा मैं चाहता हूँ कि वो वो मेरे पास पर्टिकुलर सिटीजन्स uh, मिल जाएँ जो कि पर्टिकुलर पिन कोड में या जिप कोड में रहते हैं ठीक है तो मैं उन्हें लिस्ट करना चाहता हूँ याद करो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर कि हमने फाइल सिस्टम की प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी उसमें ये एक एग्जांपल था कि आप चाहते हो कि कोई कोई पुलिस मैन आता है वो आपको बोलता है कि मुझे चाहिए कि भाई जिप कोड में कौन कौन से लोग रहते हैं उनके बारे में डिटेल्स चाहिए ठीक है वो डिटेल्स मैं नहीं निकाल पा रहा था फाइल सिस्टम के केस में मुझे पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना पड़ता बट डी के अंदर ये अलग चीज अलग से स्टोर किया होता है एड्रेस को एक कंपोजिट एट्रीब्यूट की तरह स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं कि मैं उसने अलग से रेफर कर सकता हूं हो सकता है कोई सिस्टम अलग से रेफर करना चाहता हो और हो सकता है कोई सिस्टम सारे एड्रेस के जो सब पार्ट्स हैं उनको एक साथ रेफर करना चाहता हो तो वो एक साथ रेफरेबल भी होंगे ठीक है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है यूजर वांट्स टू रेफर एन एंटायर एट्रीब्यूट वो भी वो कर सकता है एक कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट उस एट्रीब्यूट का चाहता है वो भी कर सकता है ठीक है ये कंपोजिट हो गया आपका नेक्स्ट टाइप का सिंगल वैल्यूड सिंगल वैल्यू सिंपल एक जैसा ही है कि ओनली वन वैल्यू हो सकती है उसकी कोई एक वैल्यू हो सकती है उस पर्टिकुलर उस एट्रीब्यूट uh, की जैसे कि स्टूडेंट आई है कोई एक वैल्यू हो सकती है लोन नंबर ऑफ ए लोन एक ही लोन नंबर हो सकता है ठीक है लोन नंबर एज एजेंड स्टूडेंट आई डी एजेंट की स्टूडेंट की आई मान लो सेवन थ्री सेवन है तो वो सेवन थ्री सेवन सेवन थ्री सेवन रहेगी ठीक है उसे ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट उसी स्टूडेंट की सेवन सेवन फोर थ्री आई भी है ऐसा नहीं हो सकता दोनों एक 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 ही आई हो सकती है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की अब इसी का ये अपोजिट है मल्टी वैल्यूड ऐसे एट्रीब्यूट जिनकी मल्टीपल वैल्यूज है फॉर एग्जाम्पल फोन नंबर ठीक है आप कस्टमर का फोन नंबर स्टोर कर रहे हो तो बहुत सारे फोन नंबर हो सकते हैं ठीक है आपका एक अल्टरनेट नंबर भी अलग से तरीके स्टोर कर सकते हैं वैसे हम बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा मैं चाह रहा हूँ कि एक ही एंट्री में या फिर एक ही एट्रीब्यूट में मैं सारी चीज़ स्टोर करूँ तो ई आर मॉडल मुझे एक कन्फिग्रेशन प्रोवाइड करता है कि मैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी बना सकता हूँ जैसे कि फ़ोन नंबर नॉमिनी नेम हो सकता है मल्टीपिन मल्टीपल नॉमिनीज हो ऐसे डिपेंडेंट नेम कि किसी पॉलिसी के अंदर आपने अपने पेरेंट्स को डिपेंडेंट बनाया हुआ है तो आप दो पेरेंट्स को बताओगे तो दीज आर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ठीक है तो नॉमिनी नेम या डिपेंडेंट नेम मल्टी वैल्यूड है अब मल्टी वैल्यूड में आप लिमिट कंसटेंट भी लगा सकते हो कि भाई अपर बाउंड कितना होगा मल्टी वैल्यूड का ठीक है आप बोलोगे कि आपके नोमिनी दो ही हो सकते हैं या फिर आप बोलोगे एटलीस्ट एक नॉमिनी होना चाहिए ठीक है तो इस तरीके से आप अपर और लोअर लिमिट्स डिफाइन कर सकते हो अब आता है आपका डिराइव एट्रीब्यूट अब ये डिराइव एट्रीब्यूट क्या है डिराइव एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ऐसा attribute है जिसको मैं दूसरे रिलेटेड एट्रीब्यूट से डिराइव कर सकता हूँ ठीक है कंफ्यूजन हो गई बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा एज एज एट्रीब्यूट जो है वो एक डिराइव एट्रीब्यूट है मान लो आपने कस्टमर का या स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है अब जब आपने डेट ऑफ बर्थ स्टोर की हुई है तो आप एज तो निकाल सकते हो कैलकुलेट करके करंट जो आज की डेट है ठीक है उसको लेके और जो उसका डी है उसको लेके आप एज पर्टिकुलर एज निकाल सकते हो सिमिलरली लोन एज कि भाई कितना टाइम हो गया लोन को अगर मैं आज पूछ रहा हूँ डेटा से कि भाई ये कार का लोन है इसको कितना टाइम हो गया उस लोन को लोन लोन को चलते हुए तो इस केस में मेरे पास ये होगा कि लोन कब डिसबर्स हुआ था लोन जब डिसबर्स हुआ था तब से लेके आज की डेट माइनस करके बेसिकली मैं कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ लोन की एज क्या है मेंबरशिप पीरियड कितने मेंबरशिप हो गया ठीक है इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ ठीक है तो आपके डिराव हो गए अब इसका एक ही ई ER आर डायग्राम में बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल देखते हैं अब हम ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट का जिम्मे की सबसे पहले यहाँ पे एंटिटी क्या है मेरी कस्टमर ठीक है अब हम देखते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन से हैं इसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट है आपका एड्रेस

आप इस तरीके से स्टोर करो एड्रेस को आप उसको कंपोजिट बनाओ जितना कंपोजिट बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एड्रेस को स्टोर करने का सिमिलरली अब हम देते हैं सिंग सिंगल वैल्यूड सिंगल वैल्यूड आपका कहें कस्टमर आईडी होगा ठीक है सिंपल भी है कस्टमर होगा आईडी होगा कि भाई इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप अब दूसरा आता है मल्टी वैल्यूड यहाँ पर फ़ोन नंबर ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ध्यान से देखो जो फ़ोन नंबर का एट्रीब्यूट है वो मैंने ऐसे दो एलिप्स बनाए हुए हैं ठीक है नेस्टेड टू एलिप्स तो इसी तरीके से आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हो ई आर ड्राइग्राम के अंदर तो ये भी आप नोट करना कि आपको दो कंसेंट्रिक एलिप्स बनाने ठीक है तभी आप मल्टी इसको आप डिफाइन कर सकते हो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड कैसे है फोन नंबर मल्टीपल हो सकते हैं ठीक है अब आता है मेरा सेकेंड ये नेम नेम भी यहाँ पे कंपोजिट है ठीक है अब चौथा है आपका डिराइव्ड डिराइव्ड कैसे डिराइव एट्रीब्यूट यहाँ पे है एज एज को आपका ध्या, मतलब है कि यहां पर मेरे पास एज जो है वो एक डिराव एट्रीब्यूट है वो डिराइव किससे वो मैं रिलेटेड एट्रीब्यूट जो है डी ओ बी उससे डिराइव कर सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ से मैं एज डिराइव कर सकता हूँ तो इसलिए इसको मैंने एक डिराइव एट्रीब्यूट बना दिया तो एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है सारे टाइप के एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए उनको समझने के लिए तो इसको आप ड्रॉ कर लेना इसको याद भी कर लेना बहुत ही बढ़िया अब हम डिस्कस करते हैं ER के अंदर नल का क्या मतलब है नल वैल्यू का क्या मतलब है सीधा नोट्स पे चलते हैं नल वैल्यू का मतलब है ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू अभी असाइन नहीं हुई है या फिर एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं है अभी और वैल्यू नहीं है ये इसके तीन मतलब निकलते हैं पहला कि इट इंडिकेट्स कि नॉट एप्लीकेबल वो पर्टिकुलर वैल्यू एप्लीकेबल ही नहीं है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप हो सकता है जैसे कि हमने कंपोजिट एट्रीब्यूट बनाया नेम को तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जिनका मिडल नेम नहीं होता बस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का या उस पर्टिकुलर कस्टमर का मिडल नेम जो है वो नॉट एप्लीकेबल है कि ऐसा नहीं है कि डेटाबेस इनकंसिस्टेंस है वहाँ पे डेटाबेस इनकंसिस्टेंसी नहीं है वहाँ पे एंट्री जो इनकन्सिस्टेंट नहीं है वहां पर बट सिंपली है कि वो नॉट एप्लीकेबल है एन ए नॉट एप्लीकेबल है कि जरूरत नहीं है उसकी ठीक है क्योंकि उस पर्टिकुलर कस्टमर का मिडल नेम है ही नहीं ठीक है तो एक नल वैल्यू का मतलब ये हो सकता है दूसरा नल वैल्यू का मतलब होता है अननोन अननोन का मतलब अननोन का मतलब हो सकता है कि आपकी जो पर्टिकुलर एंट्री है ना वो मिसिंग हो जैसे कि मैं बात करूं जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे कस्टमर कस्टमर का नेम ही आपने उड़ा दिया पूरा नेम नल पड़ा हुआ है ठीक है और मैंने ये कंस्ट्रेंट बोला हुआ है कि भाई जो पर्टिकुलर नेम है ना कस्टमर का नेम तो होना ही चाहिए तो उस केस में मैं बोलूँगा कि नल वैल्यू शोज कि नेम अनोन है जो पर्टिकुलर एंट्री है कस्टमर नेम की वो मिसिंग है यानी कुछ वैल्यू होनी चाहिए थी बट अभी के लिए वो मिसिंग है यानी कुछ इनकन्सिस्टेंसी है कुछ प्रॉब्लम है बहुत ही बढ़िया सेकेंड है कि नॉट नोन नल का मतलब ये भी हो सकता है नॉट नो नो डिपेंड करता है हर एट्रीब्यूट के बेस पे कि कौन सा एट्रीब्यूट है उसके बेस पे जैसे ये हमने बात करी कि नेम जो है नल नहीं हो सकता जो मैंने बोल दिया था कंस्ट नेम नल नहीं हो सकता तब भी वो नल आ रहा है इसका मतलब मिसिंग है ठीक है सिमिलरली मिडल नेम नहीं है तो इसकी एक इसकी क्या कंसिस्टेंसी कंसिटेंट लगा होगा कि भाई मिडल नेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ठीक है नॉट एप्लीकेबल होगा नहीं होगा पर्टिकुलर बंदे का मिडल नेम इट्स ओके तीसरा है मेरा नॉट नोन ये इसका क्या मतलब है अब मान लो एम्प्लॉय का डेटाबेस है एम्प्लॉय का अब इम्प्लॉय का नेम है एम्प्लॉय का एड्रेस है एम्प्लॉई आईडी है बट अभी उसकी ना सैलरी एट्रीब्यूट नहीं पता अभी सैलरी उसकी डिफाइन नहीं हुई है अभी बताई नहीं गई है या फिर अभी उसकी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ही चल रही है अभी सैलरी जो है अभी उस पर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो उस केस के अंदर अगर सैलरी का जो एट्रीब्यूट है वो नल है इसका मतलब वो अभी तक तो पता नहीं है नॉट नोन येट तो डिपेंड करता है आपका यूजेज क्या है उस एट्रीब्यूट का टाइप क्या है आपने क्या कंस्टेंट्स डिफाइन किए हुए हैं उस उस बिहाफ पे नल आपका बिहेव करता है ठीक है वो नॉट एप्लीकेबल भी शो कर सकता है डिपेंडिंग ऑन बोन आपने क्या कंस्टेंट रखा है वो अननोन भी शो कर सकता है अननोन में मिसिंग एंट्री हो सकती है या फिर अभी नॉट नोन अभी पता ही नहीं है ठीक है बहुत ही बढ़िया अब हम थोड़ा डबल क्लिक करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में ठीक है जैसे कि हम रिलेशनशिप पढ़ा था कस्टमर बोरो लोन ये एक रिलेशनशिप है अब हम डबल क्लिक करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में रिलेशनशिप ब्रीफली डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ये क्या है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में एसोसिएशन ठीक है सिमिलर एग्जाम्पल आपका पर्सन हैज़ व्हीकल तो इसके बीच में क्या एसोसिएशन है इनका क्या रिलेशन है हैज़ का ठीक है पर्सन हैज़ व्हीकल बहुत ही बढ़िया ऐसी पेरेंट हैज चाइल्ड हो सकता है कस्टमर बोरो लोन हो सकता है ठीक है अब दो टाइप के रिलेशन होते हैं पहला होता है स्ट्रोंग रिलेशनशिप दूसरा होता है वीक रिलेशनशिप बट इस चीज़ को डबल क्लिक करने से पहले पहले हमें समझना होगा स्ट्रांग और वीक एंटिटीज़ क्या होती हैं ठीक है एंटिटीज हमने पढ़ लिया था स्ट्रोंग एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट एज इन पूरे सिस्टम में जो भी आप डीबी का सिस्टम बना रहे हो उसमें उस, उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है जैसे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट था उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी अब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं एक एट्रीब्यूट से रिकोगनाइज कर सकता हूँ एक प्राइमरी की से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं रिकोगनाइज कर सकता हूँ इसमें क्या थी प्राइमरी की हमारे पास स्टूडेंट आई ठीक है तो ये पर्टिकुलर जो आपका एंटिटी है इसको मैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी बोलता हूँ ठीक है ये एक स्ट्रांग एंटिटी है बहुत ही बढ़िया अब इसके काउंटर आता है वीक एंटिटी क्या होती है जैसा कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम बेसिकली रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे एक प्राइमरी की से ऐसी जो वीक एंटिटी होती है उसको प्राइमरी की से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते उसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होती एज इन एक वीक एंटिटी जो है डिपेंडेंट होती है स्ट्रांग एंटिटी पे ठीक है यानी कि वीक एंटिटी की एग्जिस्टेंस ही तब है जब स्ट्रोंग एंटिटी एग्जिस्ट करती है ठीक है इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है मेरा लोन और पेमेंट के बीच में ठीक है अब एक बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोन्स होते हैं ठीक है बहुत सारे लोन्स होते हैं कार लोन हो सकता है होम लोन एजुकेशन लोन पर्सनल लोन बिजनेस लोन बहुत सारे लोन हो सकते हैं ठीक है अब हर लोन के कॉरस्पॉन्डिंग उसके लोन का एक टाइप होगा और लोन की एक आईडी होगी लोन आईडी क्या करती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ये इसकी प्राइमरी की होगी ठीक है बहुत ही बढ़िया बट हर लोन के कोरस्पॉन्डिंग ना एक पेमेंट सिस्टम भी होगा यानी कि पेमेंट का स्केड्यूल भी होगा एक क्योंकि जब भी आप लोन लेते हो तो मान लो आपने कार का लोन लिया एक साल का लोन लिया और बारह लाख की गाड़ी है तो और मैं इंटरेस्ट रेट वगैरह कैलकुलेट नहीं कर रहा तो मान लो आपको ई देनी पड़ती है एक लाख रुपये की एक लाख रुपये पर मंथ आप ई देते रहते हो देते रहते हो ठीक है बारह महीने तक देनी है तो उसका पूरा स्केड्यूल है तो आपको टोटल कितनी बारह पेमेंट्स करनी है ठीक है तो एक लोन के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे टेल्व पेमेंट्स करनी है पेमेंट नंबर ट्वेल्व पेमेंट्स करनी है तो अब ध्यान से देखो अगर लोन नहीं होगा लोन एक स्ट्रांग एंटिटी है अगर लोन नहीं होगा तो क्या पेमेंट स्केड्यूल की एग्जिस्टेंस है नहीं है ठीक है पेमेंट सिस्टम की एग्जिस्टेंस तभी है जब मेरा लोन एग्जिस्ट करता है ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ कि पेमेंट जो है ना एक वीक एंटिटी है और मैं इस तरीके से उसे डिजाइन करूँगा कि इसका इसका पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट जो है कोई एक प्राइमरी एट्रीब्यूट नहीं होगा कोई प्राइमरी की नहीं होगी इसकी ठीक है ये आपको जो डॉटेड लाइन से दिख रही है पेमेंट नंबर ये भी इसकी वीक प्राइमरी की है मैंने की वीक एक की है जो कि डिफाइन कर रही है बस शुरू होती है वन टू थ्री फोर एक सिक्वेंशियल काउंटर की तरह शुरू होती है ठीक है जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि जो ई एम आई की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो एक सिक्वेंशियल नंबर हो सकते हैं जो कि एक सिंपल काउंटर से जनरेट हो सकता है और अगर मान लो एक लोन एक किसी ने कार का लोन लिया हुआ है उसका भी ई एम आई का जो पेमेंट का स्कड्यूल है वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे स्कड्यूल होगा सिमिलरली किसी ने होम लोन लिया हुआ है मान लो इसी लोन के अंदर टाइप होम लोन है तो उसकी पेमेंट का शेड्यूल टू थ्री फोर फाइव सिक्स होगा तो पेमेंट को मैं यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता यानी बहुत सारे पेमेंट की शेड्यूल्स होंगी ठीक है होम लोन की अलग पेमेंट की शेड्यूल है आ, कार लोन की अलग पेमेंट की शेड्यूल है ठीक है और उनकी पेमेंट नंबर भी सेम हो सकता है यानी कि होम लोन की आ, पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट नंबर वन कार लोन की पहली इंस्टॉलमेंट पेमेंट नंबर वन तो इनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता मैं तो इसलिए मैंने क्या करा इनको वीक एंटिटी बनाया वीक एंटिटी कैसे डिफाइन होती है ऐसे दो कंसेंट्रिक मैं रेक्टेंगल्स बना देता हूँ और उसको मैं एसोसिएट कर देता हूँ लोन से कि भाई वीक एंटिटी की एग्जिस्टेंस तभी है जब पर्टिकुलर लोन होगा ठीक है अब लोन होगा तभी पेमेंट स्कड्यूल होगा तभी पेमेंट नंबर भी होगा ठीक है इसलिए मैंने इनके बीच में जो एसोसिएशन दिखाया है वो एक वीक रिलेशन बना दिया है उसको मैं कंसेंट्रिक डायमंड से बनाता हूँ ऐसे दो वीक रिलेशन है अगर पेमेंट कब एग्जिस्ट करेगा पेमेंट की एग्जिस्टेंस तभी है जब आपका लोन होगा ठीक है तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ जो पेमेंट और लोन का रिलेशन है जो पेमेंट और लोन का इधर से रिलेशन है वो एक वीक रिलेशन है ठीक है तो ये आपकी हमने डिफाइन किया कि स्ट्रॉग एंटिटी क्या होती है वो यूनिक आइडेंटिफाई हो सकते हैं प्राइमरी की जो होती है वीक एंटिटी क्या होती है यूनिक आइडेंटिफाई नहीं हो सकती उनकी प्राइमरी की नहीं होती है इसका क्लासिक एग्जाम्पल हमने समझ लिया ठीक है स्ट्रॉन्ग रिलेशन पे और बात करें तो जैसे कि हमने सिंपली इससे पहले डिस्कस किए थे बहुत सारे रिलेशन कस्टमर प्लेसिज ऑर्डर ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ठीक है क्योंकि कस्टमर जो है उसकी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसकी भी एक प्राइमरी की है कस्टमर आई डी ऑर्डर जो है उसकी भी एक प्राइमरी की है खुद की ऑर्डर आई डी तो ये एक स्ट्रॉग रिलेशन है सिमिलरली प्रोफेसर और कोर्स भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है प्रोफेसर आई डी हो सकती है ठीक है ऐसी कोर्स की कोर्स आई डी होगी तो बहुत ही बढ़िया हमने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग और वीक रिलेशन के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशन क्या है डिग्री ऑफ रिलेशन डिग्री ऑफ रिलेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रिलेशन में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं कितनी एंटिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जैसे कि एग्जांपल लें तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में ये जो हैज़ का रिलेशन है इसमें दो एंटिटी जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं ठीक है ऐसी जो कस्टमर और ऑर्डर का रिलेशन था उसमें भी प्लेसेस वाला जो रिलेशन था उसमें भी दो एंटिटीज पार्ट लेती थी तो उसको मैं बाइनरी रिलेशनशिप बोलता हूँ ऐसे ही मेरे यूनरी रिलेशन भी होता है ऐसे ही मेरे टर्नरी रिलेशनशिप भी होते हैं ठीक है इसको हम बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा यूनरी रिलेशन क्या होते हैं यूनरी रिलेशनशिप हो सकते हैं कि जिसके अंदर एक ही पार्टिसिपेंट हो ठीक है इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो सकता है मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय हैं वो खुद को मैनेज करते हैं एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय यानी कि अनिंग एम्प्लॉयज के अंदर कोई मैनेजर भी होगा ठीक है वही मैनेजर जो है फिर एम्प्लॉयज को मैनेज करेगा तो सिमिलरली इस तरीके से यूनरी रिलेशन है दूसरा मेरा बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल हमने बहुत सारे शुरू से ही देख रहे हैं हम ठीक है स्टूडेंट टेक्स कोर्स ठीक है बाइनरी रिलेशनशिप दिखाया था जल्दी से फिर से आपको ये सारे बाइनरी रिलेशन हैं कस्टमर बोरो लोन ठीक है बोरो रिलेशनशिप में दो एंटिटीज हैं रिलेशनशिप में दो एंटिटीज हैं ठीक है प्रोफेसर और टेक्स रिलेशनशिप में दो एंटिटीज हैं ठीक है तो ये सारे आपके बाइनरी रिलेशनशिप हो गए तो शुरू से हम बाइनरी रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं अब काफी इंटरेस्टिंग है आपका टर्नरी रिलेशनशिप को जानना कि टर्नरी रिलेशनशिप कैसे दिखते हैं इसके अंदर एक रिलेशनशिप के अंदर तीन एंटिटीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही होती हैं ठीक है इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल है टर्नरी रिलेशनशिप का ठीक है एक लाइन रह गई है ये तो अब ध्यान से देखो ये आपका टर्नरी रिलेशनशिप कैसे है कि एम्प्लॉय जो है वो वर्क्स ऑन ब्रांच एम्प्लॉय जो है मान लो किसी बैंक के एम्प्लॉयज हैं वो किसी ब्रांच पे वर्क करते हैं ठीक है इसी वर्क्स ऑन आपका जो रिलेशन है इसमें जॉब भी है कि जो एम्प्लॉय जो है वो वर्क ऑन ए जॉब किसी जॉब पे रखे गए हैं जॉब रोल है उनका ठीक है ऐसी कोई पर्टिकुलर जॉब रोल जो है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में है ठीक है तो जॉब रोल ब्रांच भी आपस में रिलेटेड है ठीक है तो एम्प्लॉय ब्रांच रिलेटेड है ठीक है एम्प्लॉय जॉब रिलेटेड है जॉब ब्रांच रिलेटेड है ठीक है एंड सो ऑन तो ये एक पर्टिकुलर टर्नरी रिलेशनशिप है टर्नरी रिलेशनशिप ना आपको बहुत ही कम मिलेंगे ठीक है मोस्टली रिलेशनशिप आपके ना बाइनरी बाइनरी होते हैं रिलेशनशिप बहुत कॉमन होते हैं ठीक है सिमिलरली जो यूनरी रिलेशनशिप है ये भी आपको बहुत कम मिलेंगे तो आपका ज़्यादा फोकस या फिर आपका ज़्यादा सोचना जो है उस डायरेक्शन में चाहिए कि आप बाइनरी रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाओ ठीक है बहुत ही बढ़िया अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप कंस्टेंट्स के बारे में ठीक है रिलेशनशिप कंस्ट्रेंट्स ये टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें कि सबसे पहला आपका आ, जो कंस्टेंट होता है उसको मैं बोलता हूं मैपिंग कार्डिनेलिटी मैपिंग कार्डिनलिटी का मतलब क्या है नोट्स पे चलते हैं इसका मतलब है नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड वाया अ रिलेशनशिप ठीक है यानी कि एक एंटिटी के कितने नंबर्स ऑफ एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी सेट के कितने नंबर ऑफ एंटिटी से एसोसिएटेड है ठीक है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा सीधा डिस्कस करते हैं सबसे पहला है मेरा वन टू वन वन टू वन का मतलब है कि मान लो मेरे पास दो एंटिटी सेट्स हैं ए और बी तो इसका मतलब एंटिटी सेट ए के जो एंटिटी सेट ए है उसका एक एंटिटी एंटिटी सेट बी के एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड होगा दैट सेट ऐसा नहीं होगा कि जो ए एंटिटी सेट है उसके दो एंटिटीज जो हैं वो बी एंटिटी सेट के दो एंटिटी के साथ या एक एंटिटी के साथ एसोसिएटेड हो ऐसा नहीं होगा इसका बढ़िया प्राइम एग्जांपल है आपका सिटीजन हैज़ आधार कार्ड ठीक है अगर मैं इसको ड्रॉ करने करना चाहूँ वन टू वन रिलेशन को तो कुछ ऐसा बनाऊंगा मैं मान लो ये सिटीजन सेट है ये आधार का सेट है ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारे सिटीजन होंगे मान लो ए वन ए टू ए फोर एंड सो ऑन ऐसे आधार कार्ड में बहुत सारे होंगे बी वन बी टू बी थ्री बी फोर ठीक है ए वन क्या है सिटीजन ए बी वन क्या है दूसरा सिटीजन ठीक है ये सारी एंटिटीज हैं ये पूरा एंटिटी सेट है ठीक है सिमिलरली आधार सेट के अंदर एक ही आधार कार्ड है एक ही आधार कार्ड है एक ही आधार कार्ड है तो हर सिटीजन के बाद ना कोई एक आधार कार्ड ही होता है तो इसके मैं अगर कार्डिनल मैपिंग कार्डिनलिटी बनाऊंगा तो वो बनेगी मेरी ए वन बी वन के साथ ए टू बी टू के साथ ए थ्री बी थ्री के साथ ऐसे तो यानी कि एक एंटिटी ऑफ सिटीजन एंटिटी सेट वो एक एंटिटी ऑफ आधार कार्ड एंटिटी सेट से एसोसिएटेड है दैट सेट तो इसको मैं वन टू वन मैपिंग बोलता हूँ तो उसकी कार्डिनलिटी होगी वन इज टू वन ठीक है सेकेंड है आपका वन टू मेनी इसका मतलब क्या होगा एंटिटी इन ए एसोसिएटेड विद एन एंटिटीज इन बी ठीक है वाइल एंटिटी इन बी इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन ए ठीक है इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एग्जांपल सिंपल होगा सिटीजन हैज कार इसका जल्दी से ड्रॉ कर तो हम एग्जाम्पल वन टू मैनी ये सिटीजन एंट्री सेट है ये आपका व्हीकल एंट्री सेट है ठीक है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर बी वन बी टू बी थ्री ठीक है तो मैं बोल सकता हूँ एन यानी कि एक सिटीजन के पास मल्टीपल कार्स हो सकती हैं, बट एक कार जो है वो ओन्ड बाई एक ही सिटीजन के होगी ठीक है तो इसकी मैपिंग में बनाऊँ तो ए वन मान लो इससे एक बी वन कार है उसके बाद बी टू कार है उसका बी थ्री का भी कार है बट अब ध्यान से देखो जो B3, B2, B1 ये एक ही सिटीजन के साथ मैप्ड है तो यानी कि वन इज टू एन का मतलब है कि इधर से तो एक एंटिटी मल्टीपल के साथ कनेक्टेड हो सकती है बट राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो मैं वो एन इज टू वन होगी यानी कि एक ही एंटिटी के साथ वो पर्टिकुलर एंटिटीज जो है वो एसोसिएटेड होंगी ठीक है सिमिलरली और बाकी ड्रॉ कर सकता हूँ वालों उसके अंदर ये भी हो सकता है ऐसा भी हो एंड ऑन ठीक है ये वन इज टू एन हो गया तीसरा मेरा आता है एन is टू वन ठीक है एन is टू वन का मतलब क्या है एन is टू वन को भी ड्रॉ कर लेते हैं सीधा एग्जाम्पल से देखते हैं मान लो कोर्स है आपका प्रोफेसर है ठीक है बहुत सारे कोर्स हैं मेरा सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव प्रोफेसर है मान लो पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो आपका कोर्स का एंटिटी सेट है उसके अंदर आपकी जो एसोसिएशन है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी कि C1 कोर्स पी प्रोसेस प्रोफेसर पढ़ाता है C2 कोर्स भी वन प्रोफेसर पढ़ाता है तो आप देखोगे कि दो कोर्स जो हैं वो किसी एक एंटिटी के से एसोसिएटेड है ठीक है दो कोर्स एक एंटिटी से एसोसिएटेड है प्रोफेसर सेट में ठीक है बट आप वाइस ऑफ वर्षा देखोगे तो एक प्रोफेसर जो है वो मल्टीपल उसके साथ एसोसिएटेड है तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट व्यू देखूं तो एक कोर्स जो है वो एक प्रोफेसर पढ़ा रहा है ठीक है और राइट टू लेफ्ट व्यू देखूं तो एक प्रोफेसर जो है मल्टीपल कोर्स पढ़ा सकता है ठीक है तो ये आपका एन टू एन एच टू वन का मैपिंग कार्डन होगी बेसिकली फिफ्थ आपका आता है एन एच टू एम इसका मतलब क्या है एंटिटी इन ए एसोसिएटेड विद एन एंटिटी इन बी वाइल एंटिटी इन बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद एन एंटिटी इन ए ठीक है इसका एग्जाम्पल देते कस्टमर और प्रोडक्ट ठीक है सीधा हम ड्रॉ करें अगर ये मेरे कस्टमर हैं ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं सी वन सी टू सी थ्री सी फोर फाइव सी सिक्स पी वन पी टू पी थ्री फाइव पी सिक्स तो क्या मैं बोलूं जो एक कस्टमर है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है ठीक है सिमिलरली एक प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट जो है वो मल्टीपल कस्टमर द्वारा भी बाय किया जा सकता है ठीक है तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया एन एस टू एन यानी कि मैनी टू मैनी मैपिंग का इसका एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट अटेंड कोर्सेज यानी कि एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्सेज भी अटेंड कर सकता है ठीक है और एक कोर्स जो है वो मल्टीपल स्टूडेंट द्वारा भी अटेंड किए जा सकते हैं ठीक है तो ये आपका मैनी टू मैनी हो गया तो अब हम डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के बारे में ठीक है पार्टिसिपेशन कंस्टेंट क्या होता है नोट्स पे आते हैं इसको मिनिमम कार्डिनेलिटी कंस्टेंट भी बोलते हैं ठीक है इसके दो टाइप होते हैं सिर्फ टाइप से समझते हैं ठीक है सबसे पहला टाइप है मेरा टोटल पार्टिसिपेशन नाम से जैसे टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो आपका एंटिटी सेट है ठीक है उसके जो ईच एंटिटी है किसी एंटिटी सेट के अंदर सारी एंटिटीज ना जो है ना वो एटलीस्ट एक, एक रिलेशनशिप इंस्टेंस से जुड़ी हुई होंगी यानी कि सारी एंटिटीज सारी एंटिटीज जो है वो उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होंगी एटलीस्ट एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में ठीक है उसका अपोजिट पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि पूरे एंटिटी सेट में से सारी एंटिटीज जो है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्ट ले रही हूँ ठीक है इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल समझते हैं कस्टमर और लोन के बीच में कस्टमर लोन के बीच में बोरो का रिलेशन है ठीक है अब आप ध्यान से देखो यह पर्टिकुलर डबल लाइंस बनाई गई है इसका मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन ठीक है अभी टोटल पार्टिसिपेशन क्या है क्या ये अब आप ध्यान से देखो कि अगर कस्टमर और लोन के बीच में बोरो का रिलेशन है तो लोन क्या है, एक एंटिटी सेट है तो एंटिटी मतलब बहुत सारे लोन्स होंगे ठीक है अब जब बहुत सारे लोन्स होंगे तो हर लोन जो है वो बोरोड बाई होगा किसी कस्टमर के यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कोई ऐसा लोन हो पूरे इस एंटिटी एंटिटी सेट के अंदर है, जो लोन का सेट है इसके अंदर एल वन एल टू एल थ्री बहुत सारे लोन्स होंगे उसके अंदर कोई ऐसा लोन नहीं हो सकता जो कि कस्टमर एंटिटी से इस रिलेशनशिप के द्वारा जुड़ा ना हो ठीक है कोई ऐसा लावारिस लोन तो हो नहीं सकता राइट कि ऐसा लोन पड़ा हुआ है बैंक बैंक सिस्टम के अंदर जो जो कोई रीपेमेंट ही नहीं कर रहा जो किसी कस्टमर ने ही नहीं लिया हुआ ठीक है ऐसी एंट्री नहीं हो सकती तो ये कंस्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिसिपेशन कंस्टेंट है जिसको मैं एक टोटल पार्टिसिपेशन भी कह रहा हूं कि लोन एंटिटी सेट के अंदर सारे लोन जो है ईच लोन एटलीस्ट एक कस्टमर ने तो लिया ही होगा ठीक है सिमिलरली ये जो कंस्टेंट है ये ये पार्शियल कंस्टेंट है यानी पार्शियल पार्टिसिपेशन पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि आपके कस्टमर ऐसे भी हो सकते हैं सेट में ऐसे कस्टमर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई लोन ही ना लिया हो अगर उन्होंने कोई लोन लिया ही नहीं है ठीक है तो वो इस रिलेशनशिप में पार्शियली इन्वॉल्व है ठीक है यानी कि ये पर्टिकुलर एंटिटी सेट है वो इस रिलेशनशिप में एक पार्शियल कंस्टेंट के साथ में है पार्शियल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के साथ में है तो कस्टमर का जो रिलेशन है लोन से वो एक पार्शियल पार्टिसिपेशन है ठीक है यानी मैं बोल सकता हूँ कस्टमर का रिलेशन जो है वो लोन से एक पार्शियल पार्टिसिपेशन है बट लोन का जो रिलेशन है कस्टमर से वो एक टोटल पार्टिसिपेशन है ये हमें समझ आ गया क्यों बिकॉज ऐसा कस्टमर हो सकता है एंटिटी सेट में यानी कि कस्टमर एंटिटी सेट में जिसने कोई लोन ना ले रखा हो तो ये पार्टिसिपेशन है बट ऐसा कोई लोन नहीं हो सकता सिस्टम पे जो किसी कस्टमर ने ना लिया हो ठीक है तो ये कंस्टेंट है तो ये आपकी जो लोन और कस्टमर का रिलेशन है वो एक टोटल पार्टिसिपेशन के तहत आता है बहुत ही बढ़िया अब एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो वीक एंटिटीज होती है ना वीक एंटिटीज होती हैं वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के साथ आती हैं वीक एंटिटी जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के साथ आते हैं एक चीज लिखने भूल गए यहां पे बट स्ट्रॉन्ग एंटिटी में नॉट हैव टोटल इसका मतलब क्या है कि जो वीक एंटिटी जो होंगे ना वो तो हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन के साथ आएंगी ठीक है पर स्ट्रॉन्ग एंटिटी जरूरी नहीं है कि टोटल पार्टिसिपेशन के साथ हो उनका टोटल uh, पार्टिसिपेशन हो भी सकता है उनका पार्शियल पार्टिसिपेशन भी हो सकता है सा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि वीक एंटिटी के बारे में पढ़ा था वीक रिलेशन के बारे में पढ़ा था हमारा लोन और पेमेंट का एक वीक रिलेशन था ठीक है तो इस केस में हमने देखा जो पेमेंट है उसका इस रिलेशनशिप के साथ में टोटल पार्टिसिपेशन है यानी कि ये पेमेंट की एंट्रीज या फिर पेमेंट के पेमेंट के एंटिटी सेट में पेमेंट की इंफॉर्मेशन तभी होगी जब वो किसी लोन से जुड़ी होगी यानी कि लोन होगा तभी तो पेमेंट होगी ठीक है ऐसा कोई पेमेंट का स्केड्यूल सिस्टम में नहीं हो सकता जो कि किसी लोन से जुड़ा ही ना हुआ तो इसलिए इस रिलेशनशिप में इस वीक रिलेशनशिप में जो पेमेंट है वो एक टोटल पार्टिसिपेशन के साथ में बहुत ही बढ़िया तो हमने समझ लिया ये जो लास्ट वाला मेरा पॉइंट था कि वीक एंटिटी जो है टोटल पार्टिसिपेशन के साथ में आती है यानी कि इसको ध्यान रखना जब भी वीक एंटिटी बना रहे हो तो वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के साथ में आएंगी यानी कि उसमें डबल एरो मिलेगा बट स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है वो ठीक है जो हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एंटिटीज ही बनाई थी दोनों ये देखो ये भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी ये भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है ठीक है इसका इसके साथ रिलेशन जो है वो पार्शियल पार्टिसिपेशन का है और लोन का जो रिलेशन है बोरो के साथ वो एक टोटल पार्टिसिपेशन है तो बहुत ही बढ़िया जितने भी हमने नोटेशन यूज़ करे हैं यहाँ पर जितने भी सिम्बल्स यूज़ करे हैं जितने भी सिम्बल्स यूज़ करे हैं वो यहाँ पर हमने बना दिए हैं ये एंटिटी का है वीक एंटिटी ऐसी दिखती है ठीक है एट्रीब्यूट है ठीक है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसा है प्राइमरी की कैसे डिफाइन करते हैं वीक वीक की एट्रीब्यूट क्या होता है अब वीक के एट्रीब्यूट में आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी वीक के एट्रीब्यूट क्या है जब उसका तो एट्रीब्यूट होता ही नहीं वीक एंटिटी का तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था आपकी जो ये वीक एंटिटी है उसको भी उसकी भी एक काइंड ऑफ प्राइमरी की होती है ठीक है वो प्राइमरी की नहीं होती है बट इसका भी वजूद या इसकी भी एग्जिस्टेंस तभी है जब आपके पास लोन का कोई इंस्टेंस है ठीक है तो एक हिसाब से तभी इसको हम मैं तभी इसको बेसिकली हम इसको वीक की एट्रीब्यूट बोलते हैं ठीक है बेसिकली इस पर्टिकुलर वीक एंटिटी के अंदर भी एक डिटरमाइनिंग uh, एट्रीब्यूट डिरावेट्रीब्यूट इस तरीके से डॉटेड आता है ठीक है एज हमने डिस्कस किया था ये रिलेशनशिप है ये टोटल पार्टिसिपेशन आप ऐसे दिखाते हैं एंड वीक रिलेशनशिप ऐसा दिखता है बहुत ही बढ़िया तो ये हमारा था लेक्चर नंबर थ्री ये भी काफ़ी लंबा हो गया है नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनैस्ड ई आर नोटेशन के बारे में एनैस्ड नियर ई आर फीचर जिसमें जर्नलाइजेशन स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आगे प्रैक्टिस करेंगे ई आर डायग्राम्स बनाना ठीक है दो तीन सिस्टम्स के ई आर डायग्राम हम बनाएंगे खुद से और देखेंगे किस तरीके से चीज़ें और आगे चलती हैं कैसे हम ई आर डायग्राम डिज़ाइन करते हैं क्या क्या माइंड माइंड में चीज़ें होती हैं कैसे कैसे माइंड मैप होता है आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ई आर डायग्राम बनाना है उसका तो कैसे कैसे एंटिटी सेलेक्ट करूँगा मैं एंटिटी के एट्रीब्यूट्स बनाऊँगा रिलेशनशिप्स कैसे फाइंड करूँगा इन सब के बारे आगे में आगे लेबोरेट वे में डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय